हाय फ्रेंड्स, मैं हूं के नंबर वन क्रिटिक ऑफ बॉलीवुड। तो मैं पिछले 19 सालों से बॉडी में रह रहा हूँ और इस बॉडी में रहते रहते मैंने कई सारे पाप किए, लेकिन मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं था कि मेरे को KRK पे वीडियो बनाना मिलेगा। फिर से KRK कमाल राशिद खान, जी अफगानिस्तान के होने के बावजूद KRK जो कि प्रोड्यूसर, एक्टर, राइटर और सिंगर भी है। इन्नी सोने क्यों लगे तू मेनू, मैं तेरा हो गया। नहीं, आप मुंबई नहीं आ सकते। इनके लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि बिग बॉस में गए थे। इतना मारूंगा मार, तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? और 20 दिन भी टिक नहीं पाए। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। और KRK के बारे में मुझे खास बात पता चली कि वो घर में आईने नहीं लगाते। मतलब हर रोज सुबह उठ के कौन डिसअपॉइंट होना चाहिए भाई। अगर जादू गैंग सा पासिव फिल्म होता ना भाई, सेम ऐसा ही दिखता। तो KRK ने रिसेंटली एक रोस्ट वीडियो बनाया, और वीडियो बनाया भी किस पे? दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा कैरी मीनाती का। अंकल जी वो डिजिटल जमाने का फादर ऑफ द नेशन है। उसके यूट्यूब पे 28 मिलियन सब्सक्राइबर है। वो यूट्यूब में से फिल्मों में जा रहा है और तुम फिल्मों में से यूट्यूब पे आ रहे हो और यहाँ पे भी आप हगी रहे हो। तो KRK ने पूरी वीडियो में कैरी के सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट का रेफरेंस लिया। पता कैसा है तू गाय को हिला के? गाय पे तेरी एक भी बाल नहीं, चिकनी गाय मार रहा तू गाय, चिकनी गाय। और KRK ने कैरी के गाय का रेफरेंस इसीलिए लिया क्योंकि वो खुद की नहीं देख सकता ना। KRK ने कैरी मीनाटी पे वीडियो बना के पड़ा लकड़ा गले में डाल ली। KRK ने अपनी नॉन एग्जिस्टेड करियर में काफी सारे फिल्में किए। मुन्ना पांडे बेरोजगार। भाई अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों डिस्कस कर रहे हैं फिल्मों में? भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है भाई। भाई गन निकाली भाई ने। भाई गन निकाली भाई ने। अबे छुटकू भाई, इससे खतरनाक तो राखी सावंत लगती है। लेकिन भाई ये मूवी कुछ भी नहीं थी यार। KRK ने इससे भी एपिक वाली मूवी बॉलीवुड में बनाई है, जिसके स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूसिंग कमाल आर खान। गाने पे तेरी एक भी बाल नहीं। तो KRK ने इस मूवी में रोल किया हीरो का, जिसको पाइल से, क्योंकि नॉर्मल लोग ऐसे फोटो नहीं खिंचवाते। कथा पट कथा एवं संवाद सब KRK ने खराब किया है, क्योंकि जब मूवी का बजट पॉकेट मनी से देना पड़े तो इतना तो चलता है। तो KRK इस मूवी में सिर्फ भाग रहा है, और वो भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, अपने दिमाग से बड़े जूते जो पहने हैं। लेकिन KRK भाग क्यों रहा है, इसका जवाब नासा के साइंटिस्ट के पास भी नहीं भाई। Why are you running? लेकिन भागने की वजह बाद में क्लियर होती है कि KRK को ट्रेन पकड़नी पड़ती है, और KRK ट्रेन का टिकट भी नहीं निकलता क्योंकि मूवी का बजट सही में काफी कम था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी भाई KRK की, KRK काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ है। मतलब पूरी ट्रेन खाली होने के बावजूद भी वो खड़ा रहना प्रेफर करता है। खड़ा है। तो फाइनली काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद KRK पहुंच जाता है मुंबई लौंडियाबाजी करने। कहानी नहीं है तो दिक्कत कोई नहीं है, एक गाना और डाल दो। हीरो के दादाजी का सपना है कि वो पढ़ा हो कि मिलिट्री ज्वाइन कर ले, कि लोग तुझे सलूट कर रहे हैं। लेकिन बेटा क्या कर रहा है? प्रतीक्षा को रिक्शा में दे रहा है शिक्षा। तो भाई इतना क्रीम दादाजी से बर्दाश्त नहीं हुआ, दादाजी मूवी के फर्स्ट स्टॉप में ही चल बसे। मर गया मादर चोट लाला ला ला ला। अगर दादाजी की जगह मैं होता ना, मैं खुद नहीं मरता, मैं KRK को मारता। और इसके बाप ने भी यही किया। गेट बैक टू स्टोरी लाइन। तो हीरो मुंबई पहुंचने के बाद अपने दोस्त शेखर की तलाश में लग जाता है। अरे भाई साहब, आप शेखर को जानते हैं? नहीं। कमाल है। फिर हीरो जाता है मरीन ड्राइव, क्योंकि दोस्त वोस्त गया बाहर में, हम तो मुंबई घूमने को आए हैं। कमाल है। तो हीरो को आखिरकार अपना दोस्त शेखर मिल ही जाता है। भाई इतना इग्नोर तो मेरे को क्रश ने भी नहीं किया यार। और हीरो के दोस्त के नशे कुछ अलग ही लेवल के हैं। मतलब वो डिवाइन के गाने लूप पर सुनता है। मुंबई बॉम्बे मेरी माँ से मिलाता हूँ। और पूरा फिल्म में डायलॉग के नाम पे मजाक चल रहा है। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। ग्राम ही फेंकवा दो जिसे हर हाल में बस रोना था। भाई बस टोनी का करना सुन ले इसको। हर हाल में रोना 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 था, हर हाल में रोना 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 था। मुंबई। और हमारे हीरो में काफी ज्यादा स्पेशल टैलेंट, वो एक सीध में चल लेते हैं।
भाई टैलेंट बोलते भाई, वरना गांजा पी के एक सीध में चलना। लेकिन हमारे हीरो में काफी ज्यादा स्किल्स है। हमारा हीरो कर लेता है डांस। चल गया सीने से निकल कर दिल गया। कोरियोग्राफर ने अपना काम बखूबी कर दिया। मजा आया। मैं बता रहा हूँ भाई, इन चारों से मूवी के बाद पैसे लिए गए हैं। हमारा हीरो चला लेता है बंदूक, पट्टा से निपल शॉट, और हीरो गोली एक को मारता है लेकिन व्यक्ति चार को है। Fuck off. लेकिन हमारे हीरो की मेन यूएसपी है जनरल नॉलेज। हिंदुस्तान में 31 राज्य, 1618 भाषा, 6400 जातियां और 6 धर्म होने के बावजूद हिंदुस्तान एक है। ना इधर लिख लो, कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। कमाल है। हाँ भाई, यही कारण है जिसकी वजह से मूवी का नाम देशद्रोही पड़ा, क्योंकि देश में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 31 राज्य। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा हीरो कर लेता है एक्टिंग। हाँ भाई, जब भागते वक्त दिमाग में डोपामिन की कमी होती है ना, तो सेम ऐसी आवाज आती है कि देखो मेरे भाई, एक्टिंग एक्सप्रेशन आपका काम है नहीं, तो आप सिर्फ एक ही काम करना। बाकी के हीरो एंट्री लेते हैं बाइक, गाड़ी या फिर हेलीकॉप्टर से, लेकिन हमारा हीरो काफी ज्यादा सेल्फ अवेयर है। वो एंट्री लेता है कचरे के ट्रक से। पट्टा से निपल शॉट। कभी कभी तो केआर के धरती फाड़ के आ जाते हैं। आएंगे मेरे करण अर्जुन, आएंगे। बेवकूफ औरत, मरे हुए वापस कहां से आएंगे? जमीन की छाती फाड़ के आएंगे। करण अर्जुन बोली थी मैं छोटा भीम का राजू नहीं। फिर आता है मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट, मूवी की एंडिंग। मुझे फांसी की सजा दिलवाइए। 2 घंटा 17 मिनट के बाद स्क्रीन पे आता है द बिगिनिंग। और ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं भाई, केआर के को पहले से पता था मूवी रिलीज के बाद भी की मांगनी है, क्योंकि जो दूसरे की मूवी की कलेक्शन प्रिडिक्ट करता है, ये फिल्म 100 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर पाएगी। उसके खुद की मूवी ने कमाए हैं। फिर भी इसके यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर है? और मेरे तो भाई ज्यादा नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो के लिए मेरे को केआरके की देशद्रोही 2 बार देखनी पड़ी भाई, 2020 के डबल था है। तो भाई बस, अब मैं चलता हूँ, मेरे को राशि देंगल की नसबंदी भी करवानी है। फिर कोई दूसरा राजा पैदा नहीं हो।